तो आपने अभी तक देखा कि हम पोखरा से मुस्तांग की तरफ तो निकल पड़े थे और हम बेनी भी जल्दी पहुंच गए थे। यहाँ हमने पेट्रोल अपना रिफ्यूल कराया क्योंकि आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला था। हमें आगे के रास्ते का कोई आइडिया नहीं था और जब हमारा पहला एक्सीडेंट हुआ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ही ख़त्म हो गया। हम करते क्या, हमारी गाड़ी, हमारी हिमालयन आधी खाई में जो थी, हमने कैसे तैसे करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ किया और हम निकल पड़े अपने लक्ष्य की ओर। मगर हमें इतना पता चल गया था कि आगे के रास्ते इतने आसान नहीं होने वाले थे। ये ऑफ रोड पैच बहुत ही ख़राब था। हम कैसे तैसे करके ऑफ रोड पैच तो कवर कर ही रहे थे, इतना आसान नहीं था, रास्ते मुश्किल होते जा रहे थे। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि हम रेगिस्तान में आ गए, इतनी ज़्यादा रेत आई कहाँ से। फिर अचानक से एक ऐसा मोड़ आया जहाँ हम वापस गिरे, बहुत ज़ोर से लगी। इस बारी तो बाइक का पूरा वेट हम पर था, हम उठ नहीं पा रहे थे। समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। हम उठने की कोशिश कर रहे थे, हम वापस गिर रहे थे। फिर जाके रियलाइज़ हुआ ये तो ब्लैक आइस है, ये आई कहाँ से, समझ ही नहीं आ रहा है। फिर अचानक से रियलाइज़ हुआ टेम्परेचर ज़ोरों से गिर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। हम बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मगर स्टार्ट नहीं हो रही है। पेट्रोल ओवरफ्लो हो चुका था जिसकी वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। हमने चोक ऑन किया, धक्का मारने की कोशिश की मगर कुछ नहीं हुआ। हमारे अंदर एनर्जी बिल्कुल नहीं बची थी, हम बाइक नहीं स्टार्ट कर पा रहे थे। मन में एक डर बैठ गया था कि आज की रात हम क्या इधर ही बिताने वाले हैं, क्या हम मुस्तांग नहीं पहुंच पाएंगे, क्या हमें मुक्तिनाथ जी के दर्शन नहीं मिलेंगे। ये सारे सवाल गूंज रहे थे दिमाग में। नादिरों में एक दूसरे को देख रहे, करे क्या यार, क्या हम फंस चुके हैं, पता नहीं। फिर अचानक से 20 से 25 मिनट के बाद मैंने चोक ऑन वापस किया और बाइक स्टार्ट की। ओ फक, चला 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 चला, बाइक स्टार्ट हो गई भाई, जिंदा पहुंच जाए बस। मेन रीजन वहां पर आइस का पैच था, उसी वजह से स्किड हुआ। अब वो आइस का पैच कैसे आया अब वही हम लोग सोच रहे हैं। और रे बाबा, ये अभी आइस का पैच ना मिले आ गया। अरे फक, ये तो जम रहा है। फक, ये वापस से स्टार्ट नहीं हो गया बाइक। जैसे पानी जम रहा है ना, हम भी जम जाएंगे अभी। मां शक्ति तो यार, हमारे सामने जम जाएगा ये पूरा। मैं तो पेट्रोल का नॉब बंद कर देता हूँ। ये कहाँ है पेट्रोल का नॉब, वहाँ कब मिल नहीं रहा। एक काम करें, टैंक बैठ निकालना। ये पेट्रोल का नॉब क्या मिडल में, ओके। भैया हेल्प करो ना, ये कहाँ से आए। स्लिप कर रहा था ना, दे वहां से उठा। 1 2 3 सर, अच्छे अंदर अंदर कर रहे हैं। हां, इस टाइम इस टाइम जा दादी, लगा दे उधर नहीं कर। अरे फक, मेरा पांव जम गया पूरा। चलो क्लास दफा यार, आइस का पैच की बात ही कर रहे थे, मिल गया। आगे पता नहीं ऐसे कैसे होंगे।
थैंक यू यार, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू सो मच। ये जमा देने वाली हवा है यार, देखा नहीं तूने पानी कैसा जम गया? अरे फक, उधर देख, ये पानी था, आइस हो गया। इस पर कैसे जाए? मेरे को कोई आइडिया नहीं कि मैं कैसे चलाने वाला हूँ। नादिर, मैं चला पा रहा हूँ? ठीक है मेरी जान। अरे आइस पैसे को, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस लो हो गया ना माँ की, हाँ लो इन द सेंस गाड़ी चला सकता हूँ, बट वो एनर्जी लेवल बहुत लो हो गया। ओह माय गॉड, सीरियसली आर वी इन मुस्तांग? कॉन्ग्रेचुलेशंस नादिर। ओह मैन, वी आर हियर, थैंक यू भगवान जी। यहाँ से जोमसोम है अराउंड 3 घंटे का डिस्टेंस, और वहाँ से जोमसोम से 2 घंटे का डिस्टेंस है मुक्तिनाथ। वाह, लगता है जोमसोम में ही रुकना पड़ेगा आज। हाँ नादिर, जोमसोम में ही रुकना पड़ेगा ना आज, अगर वहाँ तक जिंदा पहुँचे तो। H426CZ4002 CZ, हाँ। या फिर से एक कोई तो चेक पोस्ट है, टूरिस्ट चेक पोस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर गासा। भाई यहाँ पर तो लग जाती यार सच में। सीन क्या हुआ कि वी डिडंट हैव मच कैश एंड दे वर आस्किंग फॉर 4000 नेपाली, लाइक शॉक मैन, 4000 मोर वी हैव ऑलरेडी पेड। कितना हमने अभी तक पे कर चुके हैं पास के लिए? 1200 नेपाली, 1200 नेपाली, यहाँ पे 4000, 5200 नेपाली यू रिक्वायर द पास फॉर 2%, 2600 नेपाली फॉर 1%। यार चलो यार यहाँ से निकलते हैं, ये जगह का नाम लेते हैं और इसने हमारी ले ली है सच में। पाँव जम गए पूरे, जूते में पानी आ चुका है, वो पूरा जम चुका है। मेरे को कैसे भी करके ये दुकान मिली है, कैसे तैसे करके तल्ले किए, उसको बोला कि कुछ गर्म होगा। थैंक यू, ये हॉट गरा पैसे कुछ नहीं है। हम लोग अगर यहाँ पर कहीं स्टे करना होगा ना, वो भी शायद नहीं कर पाएंगे। अगर हमको जोमसोम पहुँचने, अगर हम जोमसोम पहुँचे और एटीएम मिला तो जिंदा बचेंगे। आज पता नहीं कहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्या कोशिश तो जोमसोम की है, मगर वो पानी जम रहा है और आईसी पैच हो रहा है, गिर रहे हैं बार बार, मगर ये लाइफ है, ये मेरे को ना हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा ये मोमेंट। नादिर Yeah. कुछ भी हो जाए ना पहुंचना है यार जिंदा वापस।
इसके ऊपर टर्न राइट। हम लोग ना बैंगलोर में होते हैं ना, या पुणे में होंगे या कहीं भी होंगे, पूछते रहते अरे हमारी लाइफ झंड हो गई या कुछ हो गई है। एक्चुअली लाइफ ना ये है, यहाँ पर सर्वाइव करके दिखाओ। सल्यूट है इन लोगों को, सल्यूट सल्यूट रहते हैं यहाँ पर। ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपना फूड मैनेज करते हैं, कैसे अपना शेल्टर मैनेज करते हैं, पैसे नहीं होते इनके पास, खुद बनाते हैं, खुद क्रॉप कल्टीवेशन ये सब करते हैं। और ठंड में भाई साहब, सच में जल्दी जल्दी खा, अब खाता हूँ मैं कुछ, सबसे बकी जा रहा हूँ। ये वाला जो पहाड़ दिख रहे हो ना, हाँ। वो है अन्नपूर्णा, हाँ। ये है नीलगिरी, और ये वाला है धौलागिरी। शेट मैं मुस्तांग जिला धौलागिरी। अरे बैंडी, ये तो पूरा रास्ता ही खराब है। मैं कैसे जा रहा हूँ मैं कोई पता नहीं, मुझे बस जा रहा हूँ, मेरे को कोई पत्थर ना मिले बस, मेरी फट जाएगी लिटरली। और अगर मैं यहाँ पर गिरा ना, ऐसा लग रहा है जैसे मैं साइकिल चला रहा हूँ। अरे अरे मेरे फट गए मुंह में आ रहे भाई। नहीं नहीं उतरना नहीं है, तू उतरेगा ना मेरे को ज्यादा स्लिप। वन सेकेंड, कहाँ से रास्ता? अरे बाबा कहाँ चढ़ा रहे हो रात को? ये तो भाई साहब, लग नहीं रहा मुझे मैं चढ़ पाऊंगा। तेरे को धक्का देना पड़ेगा। हाँ क्या बोल रहा है? जो बोल बोल इसकी सांस फूल गई है लगता। रास्ता नहीं है, जाना कहां से भाई साहब? फट गई, वापस कैसे नीचे गया? जल्दी आ। हाँ ओ फक, शुक्र है अभी पता चल गया, नहीं तो नीचे कैसे आता मैं? भगवान जाने, मैं हाँ उधर ही चलते हैं कहीं। हाँ आराम आराम से मेरी जान, आराम आराम से, कुछ नहीं होगा तेरे को मेरी जान। हाँ 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 मैं ब्रेक लगाई हुई और आराम आराम से जा रहा हूँ। हाँ शाबाश मेरी जान। हाँ अभी ये वाला पैच, मैं गाड़ी में ठोकू, कम से कम गाड़ी तो बचेगी। पकड़ा हुआ ना? हाँ पकड़ा हुआ।
यार गिरना नहीं है बस, नहीं तो उठा ही नहीं जाएगी बाइक, इतनी एनर्जी नहीं बची है। ए ए पकड़ के रखा है ना, फक। हाँ हाँ ठीक है पहुंच गया। हम लोग तो मतलब पानी वाले, ये वाला जो मेन रोड है वो आगे ब्लॉक्ड है, अब हम पानी वाले रास्ते से जा रहे हैं। अब हमको दिखा नहीं आगे का रास्ता कहीं पर भी, तो ये लोकल लाइट है, अब उसमें से हमारे साथ एक आठ बंदा आ रहा है, और मतलब मैं ट्रिपलिंग कर रहा हूँ। अब कहाँ से? सीधा सीधा सीधा, मतलब यहाँ से? यहाँ से कोई सा रास्ता भी निकल जाओ। अरे रास्ता नहीं ना, चल ये तो यहाँ से गए थे अभी, मेन रोड रास्ता आ जाएगा ना, ये तो रास्ता जाने का रोड ही है। अरे कहाँ से? लेफ्ट सीधा। This is really scary, man. Oh shit! One of the toughest rides I've done till now. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे कोई आइडिया नहीं है, मैं बस क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे भैंस की आँख, मैं एक साइड से दूसरी साइड हो गया था। चढ़ जा मेरी जान, प्लीज चढ़ जा अभी हिम। ओके लग रहा हूँ मैं जम्मू तवी की बैंक पे गाड़ी चला रहा हूँ। अरे बाबा, मैंने ऐसे रोड कभी उठा मैंने बोला ना ऐसे कभी नहीं चलाया मैंने। ये हम चौथी बारी गिर चुके थे, हमारे सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, सब एक जैसा लग रहा था, हम जाएं तो जाएं कहाँ, कोई मदद नहीं थी, हमारे पास पैसे भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। क्या हम जोमसोम पहुंच पाए? क्या हमने आज की रात यहीं बिताई कहाँ? ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना पड़ेगा गाइस। स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, डू शेयर योर लव इन कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।